राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को एक किसान परिवार में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। कक्षा 1 से 5 तक की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप हासिल कर चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए ये जयपुर आ गए और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। फिर इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। साल 1989 में इन्होंने राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली और वकालत शुरू कर दी। 1987 में ये राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 1988 में ये राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भी चुने गए। 27 मार्च 1990 को इन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला और उसी समय से जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने लगे। ये राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के अग्रणी वकीलों में शुमार रहे हैं। वर्ष 1988 में जगदीप धनखड़ ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1989 में ये बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत कर पहली बार संसद पहुंचे। 1990 में सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे। ये कई संसदीय समितियों और यूरोपीय संसद के लिए जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे। 1990 में ही इन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। 1993 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधायक बने। विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान भी ये कई अहम समितियों के सदस्य रहे। इन्हें खेल प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। ये राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 30 जुलाई 2019 को इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार संभाला। इस दौरान इन्होंने कई सराहनीय काम किए और जनता के राज्यपाल के तौर पर मशहूर हुए। 16 जुलाई 2022 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।